उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल बदमाश व एक सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के उच्च अधिकारी हत्थे चढ़े बदमाश से पूछताछ में जुटे हैं। घायल बदमाश के खिलाफ 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फरार आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। मामला जनपद मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस चंदौसी रोड पर चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी बाइक पर दो संदिग्ध दिखाई दिए, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई तो वे भागने लगे। पुलिस ने पीछा करते हुए उन्हें सरेंडर करने को कहा तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी, जिस पर पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी मजीद घायल होकर पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि उसका साथी बाइक से फरार हो गया। 3:30 बजे बिलारी थाना की पुलिस कर्मी रात्रि को गश्त कर रहे थे, तो एक बाइक पर दो व्यक्ति सवार होकर जा रहे थे, तो पुलिस ने उनको रोकना चाहा चेकिंग के लिए, तो उसमें से वो वापस मुड़कर वापस जाने लगे जिस तरफ से आ रहे थे। तो सामने से भी उधर पुलिस गश्ती का वाहन आ रहा था, तो उसको अपने आप को घिरा पाकर देखकर उसमें से एक व्यक्ति ने फायरिंग करना शुरू कर दी और एक व्यक्ति भाग निकला। जब व्यक्ति ने फायरिंग शुरू की तो हमारे एक सिपाही मोहित को उसमें से कुछ छर्रे लगे। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की तो उसमें से एक व्यक्ति घायल हो गया। जब उसको जाकर देखा पुलिस ने और उसके बारे में मालूम किया तो वह पता चला कि हमारे एक वांटेड व्यक्ति है, जो लगभग 25,000 का इनामी है और जिस पर 17 मुकदमे दर्ज हैं और गैंगस्टर का वांटेड है। उसका नाम जब मालूम उसकी शिनाख्त की और जाँच की तो पता चला कि उसका नाम मुस्लिम है, जो पुत्र जिसके पिता का नाम मजीद है और थावला का रहने वाला है, बिलारी थाने का ही है। और बाकी सब बाकी बताने सब दोबारा रिपीट कर दें, पूरा ही अब दोबारा करना पड़ जाए।